नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग के पीछे यूजी हॉस्टल पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में है, लेकिन इस बार हालत बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और हॉस्टल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के निवास करने के कारण जनहानि की संभावना बनी हुई है। इनको लेकर चैनल ने बात की और 5 जुलाई को कवरेज कर अस्पताल के प्रशासन व जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। हमारी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और अगले ही दिन नोटिस चस्पा कर वहां रह रहे डॉक्टर्स को जर्जर परिसर को खाली करने के निर्देश दिए, लेकिन जानकारी में आया कि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी इन निर्देशों को गंभीरता से नहीं ले रहे और परिसर को अभी तक खाली नहीं किया। चैनल ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए वहां रह रहे सभी डॉक्टर से आग्रह किया कि अपनी जानमाल की रक्षा के लिए तुरंत परिसर को खाली कर अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन का सहयोग करें। जी, देखो, संभाग का सबसे बड़ा जो अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, उसके लिए कार्डियोलॉजी के जो पीछे जो यूजी छात्रावास है वो आज की कंडीशन में जर्जर अवस्था के अंदर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को, आपके जो कि आपने 5 जुलाई को उस जो कंडीशन को आपने देखा और उसको कवरेज किया और आपके चैनल में दिया, तो उसका प्रभाव ऐसा रहा कि अगले दिन 6 तारीख को अस्पताल प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से नोटिस चिपका दिया बिल्डिंग पे। और लेकिन नोटिस चिपकाने के बाद भी तो कुछ रजिस्ट्रेशन जो है और जो छात्र हैं जो चले गए हैं, वो कुछ अभी वहाँ पर रह रहे हैं। तो अब देखने का ये है कि मौसम पूरा बारिश का है और इस कंडीशन के अंदर अगर कुछ हादसा होता है, क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी जर्जर अवस्था के अंदर है, तो कभी भी हादसा हो सकता है, तो उसको देखते हुए प्रशासन को, अस्पताल प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उनको एक सुविधा देकर इस बिल्डिंग को खाली करवा के तुरंत बिल्डिंग को सुधार करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है आपसे। ठीक, नाम मुकेश सबलानिया।